बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब आप सब के? मेरी प्यारी सी वाई टी फैमिली कैसी है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में टिप टॉप होंगे। और आज आप कहेंगे कि कमल घर पे ही अपने डिज़ाइनिंग की वीडियो दिखा रही है और ख़ुद कहाँ है। तो जी मैं एक्चुअली, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे मेरी ये वाली वीडियो इसलिए रह जाती हैं कि टाइम नहीं मिल रहा होता, तो ये भी मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने ऐसे बनाना, पता है ज़्यादा इजी होता है, तो मैंने जल्दी से जो है ना इसे वीडियो बना ली थी, क्योंकि फिर मैंने डिस्पैच करा देना था। तो फिर आप मांगते हैं कि कमल डिज़ाइनिंग की वीडियो कब आई, तो जो पूछ रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं, ये मैंने इस तरह के सारे फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बना ली थी। अब क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। तो जी ये तंजीला के ही कपड़े हैं जो बाकी अब मैंने भेजे हैं, तो वो कैसे बने हैं जल्दी से देखते हैं। देखिए सना सफीना का है जो मैं सबसे पहले यहाँ शो करा रही हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड है ये पूरा। और ये जो आप नेकलाइन पे देख रहे हैं ना, ये दो तरह का पर्पल एंड सी ग्रीन फैब्रिक लगा के इसको नेकलाइन पे जो है ना अंदर बनाया गया है। और यहाँ पर हैंगिंग है क्योंकि ये ऑल ओवर पूरा एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो शर्ट पर हुई हुई थी ऐसे पूरा, ठीक है। फिर ये सिल्क का पैच लगा हुआ है और जी लास्ट में था ये बॉर्डर, और फिर यहाँ पे हैंगिंग की गई है इस तरह से पर्ल की, छोटे और बड़े पर्ल की हैंगिंग की गई है। ऑल ओवर इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और दुपट्टे पे डिटेलिंग जो मैं करवाती हूँ, जो आजकल होती है जिसको पलटावा कहते हैं हम, वो है। और उसके बाद है जी यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे ऑर्गेन्जा के यहाँ पे हैंगिंग बने हुए हैं जो पर्ल के साथ हैं, वो दो कलर में, जो कि नेकलाइन पे आपने दो कलर देखे हैं ना, वही दो कलर हमने बनाए हैं, उन्हीं दो कलर के हमने ये हैंगिंग बनवाई हैं। ये देखें ऐसे, ये दोनों पल्लुओं की साइड पे दुपट्टे पे लगी हुई हैं कुछ ऐसे। और ट्राउज़र जो है इसका वो थोड़ा सा इस तरह से खुले पैंचे वाला है, बॉटम जो है ना इसकी थोड़ी लूज़ है। और यहाँ पर ये ट्राइंगल आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये उन्हीं पर्पल और सी ग्रीन कलर के, वही ट्राइंगल की फिनिशिंग जो है वो बॉटम पर की गई है। तो ये हो गया सना सफीना का लग्जरी कलेक्शन में से, ये जो पहले सेल थी ना ये तब लिया गया था। और अब आ जाते हैं कि यहाँ मैंने कौन से ड्रेसेस हैंग किए हुए हैं। अच्छा जी, ये है निशात का, निशात विंटर कलेक्शन में से हमने लिया था। इसके साथ शॉल है बड़ी खूबसूरत सी, और ये सिंपल सा ड्रेस था। और प्रिंट भी आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस बीज कलर का है और ब्लैक इस पर इस तरह से लीव से बने हुए। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत हुई थी, ये सिंपल और एलिगेंट सा जो स्टाइल है ना इस पर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा यहाँ देखें, रेड कलर से पिंटेक्स डली हुई है आपको नेकलाइन पर, नेकलाइन के दोनों साइड्स पे। और यहाँ पे बनी हुई है जी कॉलर वाला गला है, और ट्रायंगल ये जो बने हुए दो कलर के, हमने इसके बॉर्डर से कलर ये जो है ना चूज़ किए थे, और यही दो कलर के हमने ट्रायंगल नेक पे बनाए हैं और स्लीव्स पे बनाए हैं। अच्छा स्लीव्स पे कैसे बनाए हैं, दो तरह से, पहले ऊपर है फिर नीचे है, और नीचे फिर पिंकटेक्स है और फिर लेस है डिटेलिंग। तो देखें स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। ये देखें, अब इसकी फिनिशिंग देखें ओवरऑल, और इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें आप। और ये फिर हमने ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन किया है, जो कि स्लीव्स पे था वही हमने ट्राउज़र पे बनाया है। इसकी नेकलाइन बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये देखें सिंपल ड्रेस है बिल्कुल, लेकिन ये वाली डिटेलिंग करने के बाद ना बहुत हसीन लग रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अच्छा ये अलकरम का ही है, पहले भी देखा था आपने, एक अलकरम का मैंने बनाया था तंजीला का, ये अलकरम का है और मरून कलर का था, और सिंपल इसका बॉर्डर जो था ना वो दामन पे और स्लीव्स पे। तो यहाँ मैंने ये किया है कि ये लेस लगाई है फॉइल वाली ब्लैक कलर की, जिस जो फिनिशिंग की है हमने दामन पे, चॉक्स पे और नेक पे। उफ, पीछे इतनी वैन्स आ गई, पता नहीं पुलिस वैन या क्या, कितना शोर होने लग गया अचानक से, मुझे खामोश होना पड़ा फिर। अच्छा नेक्स्ट सना सफीना का लग्जरी ड्रेस ही है, और ये भी पहले ही लिया गया था, लेमन कलर का है बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा इस पर पैनल हैं, बट पैनल इस तरह से ज्वाइन किए गए हैं एम्ब्रॉयडरी से कि फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है, जबकि ये सेंटर पीस अलग है, दो साइड पैनल अलग है। और ऑर्गेन्जा है स्लीव पे और दामन पे, और ये देखें बड़ी खूबसूरत सी ये वाली लेस लगाई गई है दामन पे, और जी स्लीव्स पे हैं हैंगिंग बनी हुई है। और दुपट्टा और इसका ट्राउज़र जो है ना उसकी डिटेलिंग है कुछ इस तरह से ऐसे। और नेक्स्ट है जी, अच्छा ये तंजीला की डॉटर्स के हैं, अब आप कुछ ड्रेसेस देखेंगे जो कि टीनेज हैं, और उनके हमने सिंपल भी रखने थे और लाइट सी डिटेलिंग भी रखनी थी, तो वो मैंने कैसे बनाए हैं ये देखिए। नेकलाइन तो यहाँ ऑलरेडी आपको मिलेगी, आपने अटैच करानी है। उसके बाद ये बहुत क्यूट और नाजुक से जो है बटन है ना, ब्लैक एंड सिल्वर,
ये मैंने लगवाए हैं यहाँ पे, और स्लीव्स पे, दामन और चौक पे मैंने फॉइल वाली बीज कलर की लेस लगाई है, जो कि बहुत अब टू मच भी नहीं हो गई इसकी डिटेलिंग, और नाजुक सी है तो अच्छी भी लग रही है, क्योंकि आपको पता है ना बच्चियाँ तो वैसे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग टू मच वाली जो है ना बिल्कुल नहीं पसंद करती। और ये गला देख लें आप इसका, इस तरह से बना हुआ है, और ये भी उन्हीं का है। अच्छा, यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन है, और ये मारिया बी का है विंटर कलेक्शन में से, और साइड पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो अटैच हो गई, देखें साइड पे पॉकेट्स स्टाइल में, और स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और स्लीव्स पे मैंने ये कर दिया था कि अभी दिखाती हूँ मैं आपको, लूप्स के साथ डिटेलिंग की थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी कुछ ऐसे ऐसे, ये देखें और खूबसूरत सी डिटेलिंग हो गई है ये देखें। और दामन पे ये किया है कि ये मार्बल के जो ये मोती हैं ये लगाए हैं मरून कलर में, छोटे भी और बड़े भी। अब ये डिटेलिंग इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रही है, उसके साथ शॉल थी, और यहाँ पे ये ट्यूलिप शलवार बनी हुई है ये देखें। अच्छा, एक ट्यूलिप मैंने लेस के साथ भी बनाई है, वो आई थिंक वो ड्रेस मैंने शो ही नहीं किया इसमें, इसके साथ ये ट्यूलिप हो गई है और शॉल थी इसके साथ। अब नेक्स्ट है जी तंजीला का, ये मारिया भी विंटर कलेक्शन में से है, करंडी का 3 पीस है ये, और टी पिंक कलर का है। अच्छा, नेकलाइन बनी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ देखें मैंने ये क्रिस्टल के साथ और ये एक हैंगिंग के साथ डिटेलिंग की है नेक पे, और जी अच्छा इसकी स्लीव्स और दामन पे बहुत खूबसूरत सा हमने डिज़ाइन बनाया है, वो है कुछ इस तरह से, ये जो रिंग इस तरह के चल रहे हैं ना ये, और ये दो कलर में बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और उसको बहुत अच्छी डिटेल दे रहे हैं इस ड्रेस को। और इसके ट्राउज़र पे भी हमने इसी तरह से कुछ किया है ये देखें, इसके साथ सिल्क का दुपट्टा है, और आई थिंक वो मैंने नहीं दिखाया, सिल्क के दुपट्टे पे 4 साइड पे मैंने लेस लगवाई थी, ये देखें ट्राउज़र हो गया इसका जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, और सिल्क का दुपट्टा था इसके साथ और उस पर हमने 4 साइड पर लेस लगाई थी। ये अगेन उनकी बेटी का आ गया है, और ये अलकरम का है न्यू कलेक्शन में से ही, और ये सिंपल सा बस बॉर्डर है इस पर, सिंपल सा लीलन का ड्रेस है ये देखें। गला मैंने कुछ इस तरह से बनवाया है अंदर लेस लगवा के, और यहाँ लूप्स लगाए हैं ऐसे गैप दे दे के 3-3, और ये है इसकी स्लीव्स जो कि यहाँ पे जॉइंट लेस, और ये वाली लेस ये जो फ्लावर वाली लेस लास्ट में लगी हुई है कफ पे, और दामन पे भी यही लगी हुई है, ये मैंने डाई करके यहाँ लगवाई थी, और ये लाइट सी डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखें ये 2 पीसेज हैं अलकरम के, और ये देखें ये भी 2 पीस है बीस्ट्री का, ये तंजीला का है, और नेकलाइन देखें आप कैसे बनी हुई है क्रिस्टल के मोतियों के साथ। अच्छा, इसको मैंने पैनल वाला बनवाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ये राउंड पैनल है जो कि यहाँ इस तरह से स्लीव से आ रहा है, स्टार्ट शोल्डर से नहीं है, ये देखें ऐसे जॉइंट लेस के साथ इस तरह से पैनल बने हुए हैं इसमें, और इसके स्लीव्स पे जो डिज़ाइन है स्लीव्स पे भी है और ट्राउज़र पे भी है वो है कुछ इस तरह से, ये देखें यहाँ पर लेस आ गई, फिर ये स्कैल्प बने हुए हैं, उसके बाद है जी ये पेंटिक्स डली हुई है क्रॉस में, और यही सेम डिज़ाइन जो है ना वो मैंने बॉटम पे भी करवाया, ये देखें जी। अच्छा, बहुत सारे ड्रेसेज जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, पैक कर दिए थे, पैकिंग हो रही थी, और कुछ मैंने दिखा दिए हैं, और आने वाली वीडियो ना कुछ इसी तरह की देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। बन गई हैं ये देखें, ये मैंने चैलेंज शो करा दिया, ये है जी इसका ट्राउज़र मिस्ट्री का जो हमने लास्ट में देखा ना रस्ट कलर का, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे स्लीव जैसा डिज़ाइन है, और दामन पे बना के मैंने इसे बहुत टू मच नहीं किया है, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा था कि स्लीव पे बना हुआ है और हमारे ट्राउज़र पे बना हुआ है, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड है नेक काफ़ी बड़ी। तो ये हो गए जी ड्रेसेस सारे, और ये देखें कुछ अब मैंने पैक कर दिए थे, ये देखें फ्रिल के साथ था। अब ये सब ना क्योंकि अब 2 वीडियो बनती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस जल्दी जल्दी इनको देख लें, कुछ तो पैक ही हैं, ओवरऑल ऐसे दिखाती हूँ। मारिया भी का था, इस पर हमने फ्रिल से डिटेलिंग करवाई थी, ये उनके ट्राउज़र हैं जिनके मैंने ट्राउज़र नहीं दिखाए वहाँ, यहाँ पे कुछ ट्राउज़र हैं, कुछ पैक हो रहे थे, कुछ अनपैक पर रखे हुए थे अभी काफ़ी सारे, ये सारे ड्रेसेज जो है ना तंजीला के, तो बस मैंने फिर उस दिन डिस्पैच करवा दिया था।
तो जी ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ जल्दी जल्दी मैंने कहा जो बाहर है अभी मैं उनके आपको ट्राउज़र और चीज़ें दुपट्टे दिखा दूँ, तो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की शेयरिंग आपको कैसी लगी है, ये ब्लैक का दुपट्टा है यहाँ पे। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लूँगी आपसे इजाज़त। रखिए अपने अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।